हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले टॉप इंस्टीट्यूट के बारे में, जिसका एवरेज पैकेज 15 से 16 लाख के अराउंड रहता है। और यहाँ पर आपको एक काफी बड़ा टैग मिल जाता है, क्योंकि मोस्टली जेई वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम आईआईटीज के बारे में बात करते हैं, एनआईटीज के बारे में बात करते हैं और बहुत बड़े बड़े पैकेजेस के बारे में बात करते हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट की प्रायोरिटी रहती है कि जैसे सेशन वन बच्चों ने दिया, काफी बच्चों का स्कोरिंग कम रहा, अब कुछ बच्चे हैं जो टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तरफ भी जाना चाहते हैं, तो उन्हीं में से कहीं ना कहीं ये कॉलेज आपका टॉप 5 की कैटेगरी में इंडिया में रैंक होता है। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, इसलिए आज हम इस वीडियो ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। तो कॉलेज का नाम है धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि गांधीनगर गुजरात में लोकेटेड है। इस कॉलेज के बारे में कुछ खास बातें हैं, एडमिशन प्रोसेस, क्या मोड ऑफ एडमिशन है, कितनी सीट इनटेक है, कितना स्कॉलरशिप है, क्या फीस स्ट्रक्चर है और क्या प्लेसमेंट है, ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको पता चलेंगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसी और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, काउंसलिंग, कॉलेज से रिलेटेड अपडेट्स के लिए। यहाँ पर जैसा कि आपको नाम से कहीं ना कहीं कई बार अट्रैक्शन एक फील होता है कि यार धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर इस धीरूभाई अंबानी का नाम जुड़ा हुआ है तो हमारे मन में कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम जरूर आएंगे। एक रिलायंस ऐसा ग्रुप है जिसका नाम आप जरूर सोच रहे होंगे, जियो वगैरह जो कंपनीज हैं, ये सब रिलायंस ग्रुप की कंपनीज हैं। तो कुछ बेसिक चीजों के बारे में जानते हैं धीरूभाई अंबानी कॉलेज के बारे में। इसका जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो 2021 में कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ है। कॉलेज टाइप की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज टाइप है, टोटली कंप्लीटली प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट एंटिटी है। इसका कैंपस एरिया की बात करें तो 50 एकड़ का यहाँ पर कैंपस एरिया होल्ड करता है, जो कि अपने आप में काफी ग्रीन लश कैंपस यहाँ पर है। इस कॉलेज में अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पर प्लेसमेंट्स के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया वो, और आप अगर कहीं ना कहीं वीडियो देख रहे हैं डेफिनेटली आपने इस कॉलेज का नाम कहीं सुना होगा, आप कब आके इस वीडियो को सर्च कर रहे हैं देख रहे हैं। यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर अगर हम एक ओवरऑल आरओआई की बात करें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें, कितना पैसा लगाते हैं, क्योंकि जब हम प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो हमारे पास इंडिया में कुछ 8-10 ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें काफी ज्यादा फीस स्ट्रक्चर है और रिटर्न के मामले में वो कॉलेज उतने अच्छे नहीं होते। जैसे हम बिट्स की बात करें, मणिपाल हो गया, बिट्स हो गया, यूपीएस देहरादून, एसआरएम, वीआईटी, और वीआईटी और एसआरएम के केस में भी, स्पेशली वीआईटी के केस में भी, अगर आपका कैटेगरी 1 में एडमिशन होता है तो उस कैटेगरी में वो कॉलेज आपके लिए प्लेसमेंट के टर्म्स पे अच्छा हो जाता है, एवरेज पैकेज के टर्म्स पे काफी अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर हम किसी बच्चे का एडमिशन कैटेगरी 5 में हो रहा है तो फिर वहां पर 5 लाख के आसपास फीस लग रही होती है। तो फिलहाल उस पर हम एक अलग से वीडियो डेफिनेटली उस पर बात करेंगे, वीआईटी के कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस एवरीथिंग। बट यहाँ पर अभी हम धीरूभाई अंबानी कॉलेज के बारे में बात करें, यहाँ जो फीस स्ट्रक्चर आपकी लगने वाली है 1,72,000 पर ईयर यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर आपके लगेगी। ये इनकी वेबसाइट पर मेंशन है फीस स्ट्रक्चर, आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। तो ये ट्यूशन फीस आपकी 1.272 लाख पर ईयर आपकी लगती है। हॉस्टल फीस की अगर हम बात करें, 46,000 पर ईयर आपका हॉस्टल लगता है। अगर इस अमाउंट को राउंड फिगर में कंसिडर कर तो लगभग 3 लाख रुपए आप कॉलेज में इन्वेस्ट करने वाले हैं पर ईयर। अगर थोड़ा बहुत आपके एक्सपेंसेस होते हैं, स्टूडेंट के पॉकेट मनी हो गई और एडिशनल एक्सपेंसेस हो गए, तो 3.5 लाख तक का आप एक्सपेंस यहाँ पर लेके चलिए, कि 3.5 लाख के आसपास आपकी आप यहाँ पे खर्च कर रहे होंगे। अब बात करते हैं मोड ऑफ एडमिशन, धीरूभाई अंबानी कॉलेज में मोड ऑफ एडमिशन क्या है। तो यहाँ पर बेसिकली 4 मोड ऑफ एडमिशन है, जिसमें से सबसे पहला नंबर जो मोड ऑफ एडमिशन है वो है जीयू सेट का एग्जाम। गुजरात में अपना स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है, इससे पहले आपका यूपी में होता था, बिहार में और अदर कई सारे स्टेट्स में इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता था, लेकिन कई सारे स्टेट्स ने अपना एंट्रेंस एग्जाम खत्म करके डायरेक्टली जेई से एडमिशन लेना शुरू कर दिया है। जैसे यूपी में आपकी यूपी सेट काउंसलिंग हो रही है, राजस्थान में आपकी रीप काउंसलिंग हो रही है, हरियाणा में आपके HSTS के नाम से हरियाणा स्टेट काउंसलिंग अलग हो रही है, इसी तरीके से। लेकिन यहाँ पर अभी ये जीयूसीटी के एग्जाम से एडमिशन होता है। यहाँ पर 50% सीट्स इस स्टेट एग्जाम में जो बच्चे बैठते हैं उनको दिया जाता है, 50% सीट्स इस एग्जाम के थ्रू यहाँ पर फिल की जाती हैं। इसके अलावा 35% सीट्स का इनटेक जेई मेन के स्कोर कार्ड से, आपको जेई मेन के स्कोरिंग के बेसिस पे यहाँ पर लिया जाता है। 35% में जेई मेन वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एनआरआई कोटा का भी यहाँ पर बाहर से भी इंटरनेशनल स्टूडेंट, फॉरेन स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर सीट्स रिजर्व्ड हैं। तो 15% सीट्स यहाँ पर एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये एक जो एनआरआई बच्चों का जो एक कंफर्म जो सीट इनटेक है, उससे कहीं ना कहीं बच्चों को एक्सपोजर मिल पाता है जो यहाँ पर स्टूडेंट जाने वाले, काफी आपका एनवायरमेंट क्वालिटी स्टूडेंट आपके पास आते हैं, अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं, तो एक जो इंटरनल एनवायरमेंट है वो आपका काफी बेहतर हो जाता है। नेक्स्ट हमारे मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा के बारे में कई बार लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पर क्या सर एडमिशन डोनेशन से होता है, क्या सर यहाँ पर पैसे देकर एडमिशन हो जाता है, या कोई बैकडोर एंट्री हो जाती है। तो मैनेजमेंट कोटा का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, 15% या AKTU में 15% अलग अलग का अपना अलग अलग यूनिवर्सिटीज का अपना क्राइटेरिया है। यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा का सिस्टम ये है कि जब लास्ट में अगर कोई सीट वैकेंट रह जाती है, कुछ सीटें अगर कोई बच जाती हैं, वैकेंट रह जाती हैं, तो उनको यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा के थ्रू कंसीडर कर लिया जाता है। उसमें भी आपकी जो भी एकेडमिक प्रोफाइल है, आपने जो भी एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है, या आपकी जो 10th और 12th में स्कोरिंग है, उसके बेसिस पे ये सारा प्रोफाइल आपका यहाँ पर चेक किया जाता है।
उसके लिए आपको इनकी वेबसाइट पे डायरेक्टली जाके अप्लाई करना होता है। जो जेई वाले स्टूडेंट हैं उनको भी धीरूभाई अंबानी वाली वेबसाइट पे, कॉलेज की वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली अप्लाई करना होगा। यहाँ पर अगर हम ब्रांच की बात करें तो कंप्यूटर साइंस की जगह पे आपको यहाँ पर एक आईसीटी ब्रांच ऑफर होती है। आईसीटी ब्रांच का जो फुल फॉर्म है वो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये कॉमन ब्रांच नहीं है, नॉर्मली आपको ज्यादातर कॉलेजेस में नहीं मिलेगी। स्पेशली इस कॉलेज में क्या है, इस ब्रांच के अंदर क्या है, एक स्टूडेंट के रिव्यू के अकॉर्डिंग ये ब्रांच थोड़ी सी टफ है कंपैरेटिवली आपके कंप्यूटर साइंस या आईटी। एक यहाँ पर स्टूडेंट है अश्विन, जिनका रिव्यू हमें मिला हुआ है, जहां पर उन्होंने लिखा है, जो करेंटली स्टूडेंट इस कॉलेज में पढ़ भी रहे हैं, और उन्होंने ये बताया कि ये ब्रांच आपकी थोड़ी सी कहीं ना कहीं टफ रहती है, क्योंकि इसमें आपका ईसीई का भी पार्ट होता है और इसमें आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी पार्ट होता है, और कोडिंग वाले जो बच्चे हैं, जो भी कोडिंग का पार्ट है वो तो आपको करना ही है। नॉर्मली कंप्यूटर साइंस या आईटी में क्या होता है कि सिर्फ आपको कोडिंग पे फोकस किया जाता है, तो ये ब्रांच आपको यहाँ पर ऑफर होती है, जिसमें आपका एक इसी में एक डिग्री इन्होंने एक दूसरी ब्रांच भी बनाई हुई है, ऑनर्स इन आईसीटी विद माइनर इन कंप्यूटेशनल साइंस। ये आपको यहाँ पर दो ब्रांचेस ऑफर होती हैं। इसके साथ अगर एवरेज पैकेज की बात करें तो यहाँ पर ऑलमोस्ट एवरेज पैकेज के साथ साथ प्लेसमेंट तो आपका यहाँ पर 16 से 17 लाख ऑफर होता है। हाईएस्ट पैकेज यहाँ पर 51 LPA रहा है, लेकिन एक जो स्टार्टअप कल्चर है, स्टार्टअप कल्चर को भी कॉलेज काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। नेक्स्ट, कॉलेज के अंदर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के सारे स्पोर्ट्स वगैरह की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, सभी तरीके के स्पोर्ट्स यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। तो जिन बच्चों का आईआईटी या एनआईटी में नहीं हो पा रहा है, वो ऐसे स्टूडेंट इस तरीके के कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं, ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट्स को टारगेट कर सकते हैं, जहां पर आपको काफी अच्छा इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के प्लेसमेंट्स, एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स, सारी चीजें आपको मिलने वाली है। इंडोर गेम्स के लिए बहुत सारे इंडोर गेम्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट, इस कॉलेज के कुछ आपके क्लिप्स यहाँ पर हम ऐड किए जा रहे हैं। तो फाइनली अगर हम कट ऑफ की बात करें इस कॉलेज में, कट ऑफ यहाँ पर जीयू सेट के लिए आपके लगभग 500 से अंदर के रैंक वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, 500 के नीचे जिन बच्चों की रैंक आएगी उनको यहाँ पर एडमिशन मिलने के चांसेस है, एडमिशन आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जेई मेन के बेसिस पे, तो जेई मेन के बेसिस आपके लगभग 14 to 15,000 के अंदर आपकी रैंक यहाँ पर होनी चाहिए, तब आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। फाइनली यहाँ पर तीनों ब्रांच में, जो भी आपका एक आईसीटी विद ऑनर्स है और एक आपका नॉर्मल आईसीटी है और एक आपका मैथमेटिक्स ब्रांच है, तीनों ब्रांचेस में लगभग आपका जेई मेन में अगर आपको स्कोरिंग है तो वह 15,000 के अंदर रैंक वाले बच्चे, मतलब जिन बच्चों को ऑलरेडी किसी एनआईटी में सीएस मिल रहा होगा, एनआईटी में आपको अच्छी ब्रांच मिल रही होगी, वो बच्चे यहाँ पर इसको ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप प्राइवेट का कुछ ऐसा प्लान करते हैं। तो जेई में भी काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन आपको मिलेगा। इसी तरीके के और इंपॉर्टेंट वीडियोज काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी तरीके का आपका डाउट या इंक्वायरी है तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स पर बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।